आज गोवर्धन है, पूरे देश में धूमधाम से गोवर्धन की पूजा हो रही है। हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति में प्राचीन काल से ही गो का बहुत ही महत्व है, इसीलिए गो को, गाय को गो माता कहा जाता है। और सभी देशवासियों को जो गाय पाल रहे हैं, जो गाय से बने उत्पाद प्रयोग में ला रहे हैं, उन सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश के अंदर गाय माता कहकर चिल्लाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन गाय को पालने वाले और गाय से उत्पादन होने वाले दूध, दही, घी, गोमूत्र और अन्य बहुत सी सामग्री, उसको प्रयोग करने वाले बहुत कम हैं। हम सिर्फ मौखिक बातें ज़्यादा करते हैं, और जो ग्राउंड पर हमें करना चाहिए, गाय पालनी चाहिए, गाय से खेती करनी चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए, गाय का घी का प्रयोग करना चाहिए, वो हम करते नहीं हैं। तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी ज़्यादा बातें जुबान पे है, हमारे कर्म पे नहीं है। आज गोवर्धन के शुभ अवसर पर इन सभी छोटे बच्चों को, ये महाराजा सूर्यमल अखाड़ा इसमें कुश्ती करने आए थे, तो इन्हें भारतीय गोदर्शन की एक पुस्तक है, सभी बच्चों को बांटी गई है, ताकि ये गाय के बारे में अपने को पता लगे। क्योंकि भारतीय गोदर्शन जो पुस्तक है, इसमें गाय के सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और वैज्ञानिक तरह से क्या क्या फायदे हैं इसके दूध के, और धार्मिक आधार पर क्यों इसको जो पूजा जाता है, वे सभी लिखे हुए हैं। क्योंकि ये छोटे बच्चे अगर गाय के महत्व को समझेंगे, तभी ये बड़े होकर के गाय पालेंगे, और तभी ये गाय बच पाएगी। गाय इसलिए नहीं बच पा रही क्योंकि हम अपने पड़ोस में अपने भाइयों को, अपने बच्चों को ये समझा नहीं पा रहे कि गाय का महत्व क्या है। तो इन छोटे बच्चों को आज ये भारतीय गो संवर्धन की जो पुस्तक है, गोदर्शन की पुस्तक, इसलिए दी गई है ताकि ये पढ़ें और सीखें, और आने वाले भविष्य में सभी गो पालने का प्रयास करें। और जो गौ माता को नहीं पाल सकता, वो कम से कम गाय से उत्पादन सभी वस्तुओं का प्रयोग करें अधिक से अधिक, ताकि गाय पालने वाले समृद्धशाली हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों, और उनसे प्रेरणा लेकर और भी गायें पालें। दोबारा से सभी देशवासियों को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।